स्कॉटलैंड बाउंड्री के ऊपर सीधा 6 रन। दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन बहुत ही बढ़िया कमबैक पुखराज का। 6 रन खाने के बाद डॉट बॉल निकाल दिया, स्कोर अभी भी 64। देखते हैं पुखराज क्या कर पाते हैं इस बार। क्या बात है, लॉन्ग ऑन पे कोई फील्डर मौजूद नहीं दोनों के बीच में, लेकिन पुखराज वापस बॉलिंग एंड पे 1 रन की बढ़ोतरी के साथ 65। छठा ओवर प्रगति पे, देखते हैं कवर के ऊपर फील्डर मौजूद, 1 रन लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 66। लास्ट छठे ओवर की अंतिम गेंद, इसके बाद में 12 गेंद और बाकी है, वो 12 गेंद में कितने रन बनेंगे वो आने वाला समय बताएगा। ओह क्या बात है, अच्छा प्रयास, अगर ये कैच हो जाता तो शायद एक विकेट का और पतन हो जाता। 67 छह ओवर की समाप्ति पे 4 विकेट के नुकसान पे डोंबिवली 6 ओवर की समाप्ति पे 67। नया बॉलर मंगनाराम जी खरताजी परमार, ममता केमिस्ट मारम जी गुड़ा की तरफ से जो टूर्नामेंट विजेता रहेगी उनको 3,101 रुपया नगद पुरस्कार, यह अलग घोषणा है। और जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाएंगे उसके लिए भी एक बढ़िया घोषणा है। दुधाराम जी, मगा जी, परियार गांव नाडोल, सब हमारे पड़ोसी है नाडोल, मारम जी गड़ा, जवाली। बेस्ट बॉलर के लिए भी और बेस्ट कैसर के लिए 2,100 रुपया और बेस्ट रनर रन जो बनाएगा उसके लिए और जो टीम टूर्नामेंट जीतेगी उसके लिए 3,101 रुपया। 4 घोषणा हो चुकी है अभी तक। 75 डोंबिवली का स्कोर 75। 7वां ओवर प्रगति पे, स्ट्राइक पे आ गए हैं अभी दिनेश, बॉलर रमेश, देखते हैं क्या कर पाते हैं रमेश भाई। इस बार उठा के मार दिया है 6 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 81। मिड ऑन के ऊपर से मार दिया है सीधा 6 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ अंतिम गेंद पे 200। दिनेश भाई ने आत्महत्या, रन आउट होना मतलब आत्महत्या करना के बराबर होता है क्रिकेट में। बहुत अच्छे खेल रहे थे दिनेश, न जाने क्यों ये दूसरे रन की साहत उसको जागी और ये विकेट का पतन। दिनेश बहुत ही अच्छे जो कि 2 सिक्स लगा चुके थे, 1 4 और 2 सिक्स लगा के आउट हो गए हैं दिनेश। डोंबिवली के दिनेश आउट होते हुए स्कोर अभी भी 83। बॉलर हेमंत और बैटिंग पे आ गए हैं प्रवीण हेमंत, बहुत ही बढ़िया
स्ट्राइक पे अशोक, डोंबिवली के लिए करो करो या मरो का मुकाबला। डोंबिवली के लिए मैच जीतना भी है और अच्छी रन रेट से भी जीतना है, और दूसरी तरफ अमरनाथ की टीम जो पहला मैच जीत चुकी है वो अगर ये मैच जीतती है तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश मिल जाएगा। डोंबिवली को तो ये मैच जीतनी है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, एक रन के लिए भाग गए, दूसरे रन के लिए भी भागेंगे जरूर, और ये दूसरा रन भी शायद कंप्लीट कर लिया। इसी साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86, 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर की लास्ट 2 बॉल बाकी है। ये आज के टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर, दो रन के लिए जरूर भागेंगे क्योंकि इसके बाद एक ही गेंद बाकी है, और ये एम्पायर का इशारा नॉट आउट, आउट 0 रन, शॉट और आउट, मतलब कोई रन नहीं। ये 2 रन लेने के चक्कर में एक भी रन नहीं मिला। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, रन भी नहीं मिला और विकेट भी गया। अंतिम गेंद, इस इनिंग की अंतिम गेंद, मोहन मुरली वाले मोहन, कृष्ण कन्हैया मोहन, मीरा के मोहन, क्या बात है। और आते ही तनातन, और इसी के साथ ये 91 डोंबिवली टीम ने 91 रन बनाए और अमरनाथ को ये मैच जीतने के लिए 92 का टारगेट शेष करना है। देखते हैं 91 का टारगेट है, 91 का टारगेट शेष करना है अमरनाथ को। अगर फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ये मैच निकालना ही होगा, डायरेक्ट फाइनल ही, सेमीफाइनल कैंसिल, 4 ही टीमें। बहुत ही अच्छा प्रयास किया था डोंबिवली टीम ने इस बार, ये पहला मैच हारने के बाद। देखते हैं वो क्या कर पाते हैं, इसी बीच कुछ रणनीति बनाते हुए, और एक लगान और बामासा का भी मैच होगा, सुपर ओवर नहीं भाई, कम से कम 4 ओवर तो होगा तो ही मजा है। एक ओवर में क्या है, नहीं नहीं 4 ओवर के बिना तो मतलब ही नहीं है। नहीं नहीं टाइम तो निकाल देंगे, टाइम निकाल देंगे, इनका एक एक ओवर कम कर देंगे, इनका एक एक ओवर कम कर देंगे, लेकिन 4 ओवर तो होने चाहिए। हम लोग भी, हम भी मलाड से आए हैं तो कुछ आस लेके आए, हमारे को भी वहां कोई लाइव देखे, कोई गिरते हुए, कोई रन लेते हुए, कोई और इसी बीच टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कैच चलाने वाले खिलाड़ी को 2101 रुपया गीसाराम जी कर्मा जी सोलंकी जवानी वालों की तरफ से, अंबिका हार्डवेयर अमरनाथ। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को 2101 गीसाराम जी कर्मा जी सोलंकी जवाली वाले अंबिका हार्डवेयर। टूर्नामेंट विनिंग टीम को 3100 रुपया मगनाराम जी खरता जी परमार मारम जी गुड़ा ममता केमिस्ट अमरनाथ। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को 3100 दुदाराम जी मगजी परियार नाडोल मनमोहन स्वीट। मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं सोचा कुछ खमन अमन खाने को मिलेगा, मेरे को दिखा था मनमोहन स्वीट, लेकिन मैंने वहां रिक्शा रोका नहीं, मेरे को बहुत लेट हो रहा था, लेकिन दूसरी बार जरूर मनमोहन स्वीट में। आपका आधा नाम तो मेरा ही है इसमें मोहन, और जब मेरा मन इसमें लग जाएगा तो मनमोहन हो जाएगा।
कमान फास्ट डॉम्बी वाली टीम फील्डिंग सजाए, क्योंकि ये आपका ये जो समय आप जो ये बचाएंगे थोड़ा थोड़ा, वो जो भामाशाह और लगान टीम का मैच होगा उसमें काम आएगा। इसलिए आप हर मैच में कम से कम 5-5 मिनट का समय बचाए तो आपको एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लगान 11 वर्सेस भामाशाह। हमारे कैप्टन पटिया भाई, जीतू भाई, मैं खुद, हमारे साथ में एक और खिलाड़ी है मलार से, वो भी लगान 11 में है, और भी हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं लगान 11 में, दिनसा डोंबिवली वाले वो भी आ रहे हैं लगान में। हाँ, तो फटाफट मैच शुरू करेंगे तो वो समय हमारे को काम आएगा बाद में। रमेश गोमा जी, गांव किशनपुरा, 3 बॉल पे 3 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों के लिए आज की सबसे बड़ी घोषणा 11,111। न जाने इसमें कितने एके लगेंगे, आप देख लो, 3 छक्के लगातार लगाने वाले खिलाड़ी के लिए 11,111 रमेश भाई गोमा जी किशनपुरा। मुश्किल नहीं है ये, 3 बॉल पे 3 विकेट भी आती है तो 3 छक्के भी आ सकते हैं। राहुल हंबड़ बॉलिंग एंड पे, राहुल हंबड़ खारड़ा। हाल डोंबिवली बैट्समैन प्रकाश, नॉन स्ट्राइक पे बुंडाराम। क्या बात है, बेस्ट वेल बॉलिंग। हेलो, मैं तो हूँ अटीसू, हाँ शाम तोनी से मोगली बैच, बाकी आओ जल्दी आओ। बहुत ही बढ़िया शॉट, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। बहुत ही बढ़िया शॉट था लेकिन लाजवाब फील्डिंग, फील्डर हितेश। पहले ओवर राहुल 2 रन, अमरनाथ का स्कोर विदाउट लॉस। लगातार 3 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को रमेश भाई गोमा जी राठौड़, ठोड़ के भी ठोड़ राठौड़, आदर्श गांव किशनपुरा की तरफ से 11,111। लेकिन वाइड बॉल का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। राहुल हंबड़ क्या कर पाते हैं, राहुल हंबड़ वॉलीबॉल के नेटी, सुपर नेटी में से नाम अगर लिया जाए तो राहुल हंबड़ का है, और अगर क्रिकेट डोंबिवली टीम के रीढ़ की हड्डी कह जाए तो भी राहुल हंबड़, गिरनार स्वीट डोंबिवली, हमेशा खेल के प्रति अपनी भावना, और जहां भी टूर्नामेंट होता है, चाहे जैता राणा हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, कहीं भी हो, वो जरूर भाग लेते हैं। शांत स्वभाव के राहुल बैट्समैन पुंडाराम, जिन्होंने अभी खाता खोलना है। ओ हो, ये क्या बात है यार, बहुत इजी कैच था, कैच छोड़ो मैच छोड़ो, ये क्रिकेट में एक कहावत है,
आपने अगर कैच पकड़ लिया तो शायद मैच पकड़ लिया, और कैच छोड़ दिया तो मैच भी छोड़ दिया। ऐसे ऐसे मौके वापस नहीं आते हैं। अच्छी बॉलिंग लेकिन थोड़ा सा गलत जजमेंट भारी पड़ता है कभी कभी। ओ हो शायद आज डोंबिवली का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। एक ओवर की समाप्ति पे चार और दो अच्छे मौके बने थे, दो अच्छे मौके बने थे, दोनों कैच पकड़े जाने थे लेकिन नहीं पकड़ पाए। एक ओवर की समाप्ति पे चार रन, बॉलर मोहन हो। लेकिन ओहो क्या बात है, तीसरा मौका, ये तो लगभग हाथ में आ गया था, उसके बाद में पिछल गया है। और जो भी हमारे बाहर से कोई भी मेहमान आए वो जरूर हमसे संपर्क करे, स्टेज पे आए, स्वागत के बिना नहीं जाए। बहुत ही स्लो शुरुआत है अमरनाथ की। अमरनाथ को ये मैच अगर जीत और इसी के साथ नहीं सकरम नहीं है ओहो कल्डा, ये हमारे दिनेश एक्टर का वर्ड है कल्डा। आज राहुल ने भी बोल दिया कल्डा, देखते हैं क्या कर पाते हैं हमारे सकरम उर्फ कल्डा मैन। और रियल में वो है कल्डे, दो छक्के भी लगाए थे पहले मैच में, दूसरे मैच में भी एक छक्का लगाया था और विकेट भी लेने में माहिर है। और लेकिन ओ हो 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 बहुत ही बढ़िया थ्रो, लेकिन राहुल ने पकड़ लिया, नहीं तो सीधा मेरे पास आता था कमेंट्री बॉक्स में और थ्रो के चार रन लिखे जाते। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, तीसरा ओवर सकाराम उर्फ कल्डा। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग सकाराम की। और ओ हे 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 हे, लगता है डोंबिवली का भाग्य आज फिर से लिखना पड़ेगा। ये चौथा मौका था आउट करने का,
तुम रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास सलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना डोंबिवली के टीम, जीत भी मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। और फील्डर मिच और ये सिक्स, सुपर डुपर सिक्स, प्रकाश ने फाइन लेग के ऊपर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, देखते हैं सकाराम क्या कर पाते इस बार। ओ हो और ये आउटफील्ड बहुत ही धीमी आउटफील्ड है, नहीं तो ये 4 रन होता। थर्ड मैन पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लेकिन स्कोर अभी 23 रन, तीसरा ओवर चालू है, 23 रन, दो खिलाड़ियों के बीच में डाइन लगा के रोकना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, तीसरा ओवर की अंतिम गेंद लेके आ रहा है सकाराम कलडा, जो कि एक कलडा सिक्स खा चुके हैं। सकाराम के ओवर में कलडा सिक्स फाइन लेग के ऊपर से, और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, और ये दूसरी बार लॉन्ग ऑन पे कैच छूटा और 4 रन भी, स्कोर बढ़ता हुआ 29। ये पांचवा मौका था जो पकड़ा जाना था, ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 29 विदाउट लॉस, पावर प्ले खत्म। सकन पहली बॉल पे 2 रन खाए, दूसरी डॉट, तीसरी पे 6, तीसरी पे 2 रन, चौथी पे 2 रन और अंतिम गेंद पे 4 रन खाए, यानी सकन है ये बहुत ही महंगा ओवर समाप्त हुआ सका का, 16 रन आए इस ओवर में, सकाराम के ओवर में 16 रन आए, जो कि डोंबिवली के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। पहले 2 ओवर में अच्छी बॉलिंग की थी, बॉलर अरविंद, छठे ओवर की पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद अरविंद की, बुंडाराम बहुत ही अच्छी, अरविंद छठे ओवर की दूसरी गेंद, स्कोर अभी भी 29 विदाउट लॉस पे। ओहो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग एक्शन, लेकिन वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, बहुत ही सटीक निर्णय रेफरी एम्पायर का, एक रन लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 31। चौथा ओवर प्रगति पे, नहीं भाई हम वॉलीबॉल के करते हैं, वो क्रिकेट के नहीं, कर लाया तो थोड़ी बात में। डोंबिवली को ये मैच हर हाल में जीतना है, अगर उनको आगे की राह तय करनी है तो किसी को
पांड्या, किसी को युवराज, किसी को धोनी बनना होगा अगर अमरनाथ को ये मैच निकालना है तो। बहुत ही धीमा आउटफील्ड है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी जिसकी वजह से घास भी अभी तक पूरा सूखा नहीं है और मैदान भी अंदर से गीला है, इस वजह से बॉल ज़्यादा फास्ट नहीं भागती और ये रुक रुक के चलती है और घास की वजह से कभी कभी टर्न भी ले लेती है, दिशा भ्रम भी करती है। इसी बीच बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ऑफ पे सीधा कैच, कैच किसने पकड़ा? परवीन, बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ऑफ पे ये कैच था सका और परवीन के बीच में, लेकिन परवीन ने ये बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। नए बैट्समैन नौ रत्नों में से एक पुखराज, देखते हैं बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग की थी, देखते हैं बैटिंग में वो क्या कर पाते हैं। ऑलराउंडर इनको वॉलीबॉल में भी लेना पड़ेगा, फिर ऑलराउंडर है तो अभी खेलते खाली खेलते से कुछ नहीं होता है, आना भी पड़ता है। जहाँ जहाँ समाज का महाकुंभ होता है, SVBL होता है, महाराष्ट्र कप होता है, उधर आना भी पड़ता है, तभी ऑलराउंडर की श्रेणी में लेते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को हम ऑलराउंडर नहीं गिनते हैं, वो भले क्रिकेट के ऑलराउंडर है लेकिन सब गेम में जो खेलते हैं, जैसे राहुल है, फकिया भाई है, जीतू भाई है, और थ्रो, लेकिन अभी दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन अमरनाथ की टीम। ये एक चौथा ओवर की अंतिम गेंद, लगभग आधा सफर अमरनाथ का 34 पे आधा सफर और जीतने के लिए 91 का टारगेट है। बहुत ही बढ़िया, कोई खिलाड़ी नहीं मौजूद है लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन प्रकाश के द्वारा, स्कोर बढ़ता हुआ 40 और ये 600 रुपए नगद इनाम नेशनल मेडिकल द्वारा प्रत्येक सिक्स के ऊपर 600 रुपया। और अगर लगातार 3 सिक्स मारेगा उनको 11,111 रमेश भाई गोमा जी की तरफ से, हर सिक्स पर 600 रुपया सागर हार्डवेयर, रामदेव मिठाई और नेशनल मेडिकल और मनपसंद मिठाई की तरफ से। मतलब एक खिलाड़ी को हर बार एक, कौन कौन? असलाराम जी है क्या? अशोक जी है? ये अशोक जी कह रहा है असलाराम, असलाराम जी आपो, आप नाम है हणियो? नहीं नहीं, अशोक जी रो नाम नहीं हणियो, मैं असलाराम जी रो नाम हणियो के अध्यक्ष है। हमारे यहाँ अमरनाथ में एक मराठी मानुष है, वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और आने से पहले उनसे मेरा बात भी हुआ था। और इसी बीच 6 रन प्रकाश का, ये दूसरा सिक्स था लगातार, ये सिक्स पे भी 600 रुपए आ गए। असलाराम जी मेरे एक दोस्त है, आपके अमरनाथ में रहता है और जब मैंने उनसे कल बात किया था कि मैं अमरनाथ आ रहा हूँ अपने सिरवी विकास मंडल का जो मंदिर है उसके बाद में टूर्नामेंट है, तो बोला सिरवी विकास मंडल में असलाराम जी करके आपके अध्यक्ष, तो मैं बोला मैं तो अभी तक जानते नहीं, तो वो शायद आज आएंगे, आप पहचान गए होंगे किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आप अभी दिमाग लगाइए किससे बात हुआ था आपका।
अगर कोई खिलाड़ी 3 विकेट यानी हैट्रिक, मेरी ओर से 1100 रुपया इनाम। अगर कोई खिलाड़ी भाई 3 बॉल में 3 विकेट लेता है तो मोहन झाला की तरफ से 1100 बड़े 100 पावे। और कोई इससे आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ो। मैंने तो बोली सस्ते में ले लिया 1100 रुपये में, मलाड से अमरनाथ, और ये बोली सिर्फ 1100 रुपये में छूट रही है। और कोई भी भाई 1100 रुपये से आगे बोलना चाहे तो जरूर इसका लाभ ले। और बड़े सौ पावे असला राम जी उर्फ अशोक जी वडेर के अध्यक्ष की तरफ से उसको बढ़ाते हुए 2151 रुपया। वो बोली आगे बढ़ चुकी है। वो तो स्टीयरिंग पहला खेल लेने फिर रनिंग पकड़ लिया बाद में अपना। और इसी बीच ये कैच आउट सकाराम कल्डा मैन ने बहुत ही अच्छा कल्डा कैच लिया। सकू भाई ने बहुत ही ज्यादा रन खाए थे 16 रन, और कुछ वापस बदला लेते हुए स्कोर क्या 51 स्कोर आता नवीन बैट्समैन 51। पांचवे ओवर की अंतिम गेंद, इसके बाद में लगभग आपको 40 रन 3 ओवर में और बनाने हैं। स्ट्राइक पे कौन है? हाँ स्ट्राइक पे क्या बात है। मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में फील्डर मौजूद, लेकिन एक ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग इस बार, स्कोर बढ़ता हुआ 52। 18 बॉल 39। जगू भाई हाँ बोलिए। नहीं नहीं 5100 रुपये में नहीं काम चलेगा, कम से कम है ना 11000। आया मजा जग्गू भाई लाइव घोषणा, डोंबिवली जीतने पर 11000। डोंबिवली को यह मैच जीतना है तो जग्गू भाई लाइव घोषणा, और वो कुछ ही देर में यहां आ रहे हैं। क्या बात है जग्गू भाई लाइव घोषणा 11000, और वो भी बोल रहे हैं मैं भी खेलूंगा। जग्गू भाई बहुत खिलाड़ी देखते हैं, दो खिलाड़ियों के बीच में, और ये दूसरा रन लेने के लिए भी भाग्य है। स्कोर बढ़ता हुआ 54, जीतने के लिए 91 का टारगेट 37 जीतने के लिए चाहिए 17 गेंद 37। और डोंबिवली मैच जीती है तो 11000 देखो, और 3 विकेट पे 2100 रुपया। अपने ही फॉलो थ्रू में कैच पकड़ लिया है राहुल हम्बड ने। कैच पकड़ो मैच पकड़ो। राहुल एक संभले हुए खिलाड़ी है, अच्छे बॉलर अच्छे फील्डर। इसी 16 बॉल पे 37। धीरे धीरे ये जग्गू के 11000 का कमाल है। राहुल 11000 मुझे दे दे। हेमंत हर 6 पे 600 रुपया, हैट्रिक पे 2100 रुपया असला राम जी की तरफ से। डोंबिवली अगर हारती है तो फिर आगे का रास्ता लगभग हो। सुनील बाबू और आया कमेंट्री बॉक्स पे, पहली बार बॉल आया कमेंट्री बॉक्स पे। रमेश मनोज सुनील सब भागे थे बॉल के ऊपर, कोई फील्डर मौजूद नहीं था इधर गली में।
पॉइंट और गली के बीच में से ये चार रन स्कोर बढ़ता हुआ 58 15 बॉल पे 33 14 गेंद 33 रन और जीतते हैं तो 1100 रुपया जग्गू भाई डोंबिवली की तरफ से। जग्गू भाई का मन नहीं लग रहा है उधर, इसी बीच सका नीचे, ओ हो सका एक, जब तीसरी चौथी में अपन पढ़ते थे तो सका और मक्का की एक कहानी आती थी। सूखा वाई थी 84 है भाई। अंतिम गेंद राहुल हम्बड़, ओहो वेल बॉल। 12 गेंद 30 रन 15 का स्ट्राइक रन रेट मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन क्रिकेट में सब संभव है। अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम 6 गेंदों पे 24 रन का 23 रन चाहिए थे और 24 रन बना के वो चेन्नई सुपर किंग को जीत दिलाई थी। वैसा ही कुछ कारनामा आज किसी को बनना होगा, शायद पुखराज ये कर सकते हैं। ये जो 5 और 6 जो कैच छूटे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े अटक रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो मैच जीत हो गया। और ये सीधा, कोई फील्डर मौजूद नहीं, सका एक रन लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 62 29 रन चाहिए 11 बॉल में। देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार, किसी को धोनी बनना होगा, किसी को युवराज बनना होगा। ओ हो ये मिस फील्डिंग बहुत भारी पड़ेगी बाद में। स्कोर बढ़ता हुआ 66 धीरे धीरे अमरनाथ की सुपर फास्ट। आज भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है शायद डोंबिवली को, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस का कमाल है ये। क्या बात है, कैच पकड़ो मैच पकड़ो, और ये राहुल छोड़ नहीं सकते ऐसे कैच, बहुत ही बढ़िया कैच राहुल हम्बड़ का। अच्छे फील्डर डोंबिवली के, अच्छे बॉलर, कोई दूसरा खिलाड़ी होता तो शायद ये मैच, ये कैच जरूर मुश्किल था, लेकिन राहुल के लिए कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। सॉरी, बोलते बोलते क्या है हमारी कमेंट्री कई फिसल जाती है गाड़ी। हम अमूमन वॉलीबॉल में कमेंट्री करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत कर लेते हैं क्रिकेट में। और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग इस बार, अभी भी स्कोर 66 8 बॉल 25 8 3 24 3.25 लगभग 3.25 रन पर बॉल, और अभी तो 3.5 और 4 भी हो जाएगा लगता है। ये देखो ओवर कॉन्फिडेंस, 7 पे 23 ये
एक दो सिक्स अगर लग गए तो ये अमरनाथ के पाले में मैच आ जाएगा। इसी बीच एक रन के लिए भागे हैं दोनों ही खिलाड़ी, दूसरे रन के लिए मन बना रहे हैं और ये और गलत रन आउट, आत्महत्या। अभी देखते हैं क्या कर पाते हैं नवीन बैट्समैन हेमाराम। अंतिम जीतने के लिए अंतिम ओवर में 22 छ वो तो राहुल भैया लगे, रोहित हम्बर आ गए राहुल के छोटे भाई। अंतिम ओवर 6 बॉल 22 गेंद 22 रन ना रोहित हम्बर 22 रन जीतने के लिए 22। ओहो पहली बॉल पे रोहित ने बोल्ड कर दिया, अब 5 गेंद पे 22 रन। सुरेश राकेश राकेश आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। सुरेश और पोमड़ों की एंट्री हो गई, अभी देखते हैं पोमड़ा क्या कर पाते हैं इस बार। नहीं नहीं पोमड़ा बढ़िया बैठे हो, जमैसा 3 चक्का लगाएंगे तो 11,000 रुपया, 1 चक्का लगाएंगे तो 600 रुपया। नो बॉल फ्रीट, लगातार 3 सिक्स लगाने के ऊपर रमेश गोमाजी राठौड़ आदर्श गांव किशनपुरा की तरफ से 15,555 रुपया, जो पहले घोषणा 11,000 की थी उसको बढ़ा दिया है। अभी भी फ्री हिट कायम है, अभी भी फ्री हिट कायम। हाँ 5 बॉल 20 रन, उसमें से लगभग ये एक दूसरा रन के लिए भागेंगे जरूर और शायद कामयाब भी हो जाएंगे। और ये 2 रन का इजाफा 4 पे 18, 3 सिक्स लगाने की जरूरत है। 4 पे 18, 3 पे 18, 3 देखो 3 चक्के लगाएंगे तो मैच तो जीतेंगे ही, साथ में 15,555 रुपया, नहीं तो डम्बी लिए 11,000, कुछ ना कुछ तो है। लगभग ये मैच डोंबिवली, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है लास्ट ओवर में रोहित हम्बर राहुल के छोटे भाई, दोनों ही भाई आज रंग में है, अच्छे फील्डर अच्छी बॉलिंग। और ऐसे सपुत्रों को धन्यवाद और ऐसे पिताश्री। ओ हो बहुत ले लिया इस बार, अगले मैच के टॉस के लिए आ जाए और अमरनाथ और कल्याण टॉस के लिए आ जाए कमेंट्री बॉक्स पे। अमरनाथ ही खेल रहा है तो खेल ले भाई, नहीं तो कैप्टन तो बाहर ही बैठा ना इसके लिए। अमरनाथ के कैप्टन आ जाए कमेंट्री बॉक्स के लिए टॉस के लिए। कालू और लगभग ये मैच डोंबिवली ने जीत भी लिया और 11,000 भी जीत लिए। वाइड बॉल बहुत बढ़िया कमबैक किया है अमरनाथ ने, स्कोर कुछ रन रेट अच्छा है, ये रन रेट उनको आगे जाने में कामयाबी दिलाएगी। डोंबिवली का रन रेट गिर गया, उनको कम से कम ये 30-40 रन से मैच जीतना था तो उनको फायदा होता था, विकेट बचा के और
इसी के साथ ही डोंबिवली ने ये मैच जीत लिया है। जग्गू भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप जब भी आए ग्राउंड में 11,111 रुपए लेके आए, डोंबिवली टीम आपका इंतजार कर रही है। जग्गू भी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं फाइनल खेलूंगा, वो इसलिए उन्होंने 11,000